लिबा के किचन में आप सबका वेलकम है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फ्रूट जेली केक। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक लीटर के करीब पानी लिया है। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं इसमें एक कटोरी भरकर चीनी इस्तेमाल करूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा घंटे पहले चाइना ग्रास को भिगो कर रखा था। इसे इसमें डालकर अच्छी तरह से बॉईल आने तक पका लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी पसंद से फ्रूट लिया है। आप अपनी पसंद से जो चाहे वो फ्रूट ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह से एक बाउल था, इसमें मैंने चाइना ग्रास के मिक्सचर को डालकर फ्रूट को सेट कर लिया है। देखिए आप अपनी पसंद से जैसा चाहे वैसा फ्रूट को सेट कर सकते हैं। फिर मैं इसमें हल्के हाथों से और एक बार चाइना ग्रास के मिक्सचर को डालूंगी। यही प्रोसेस मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी। तो देखिए मैं इसे फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दूंगी। अब मैं फ्रिज से निकालकर इसके साइड को चाकू की मदद से ढीला कर लूंगी और एक प्लेट में पलटकर इसे थोड़ा सा टैप करके निकालूंगी। तो देखिए हमारी टेस्टी फ्रूट जेली तैयार है।